नमस्कार। धर्मज्ञान की खास पेशकश मूलांक में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। सर एक बार फिर आपका स्वागत है। शुक्रिया कविता। तो मूलांक दो वालों का नया वर्ष यानी कि 2020 कैसा जाने वाला है, आपके रिश्तों में कितनी मधुरता रहेगी, कितनी खटास रहेगी, नौकरी पेशे वालों से लेकर आपके व्यवसाय में कितना मुनाफा होगा और कितना नुकसान हो सकता है, और साथ में आपका आर्थिक जीवन साल 2020 में कैसा रहेगा, इन तमाम पहलुओं पर हम जाएंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार मूलांक दो आपका है या नहीं, ये कैसे जाने। जी बिल्कुल कविता, दर्शकों में बड़ी उत्सुकता रहती है कि भाई हमारा मूलांक क्या है। आखिर अगर कोई भी व्यक्ति वीडियो देखता है तो सबसे पहले यही जानना चाहता है कि मैं कैसे जानूं कि मेरा मूलांक क्या है। देखिए आज हम दो मूलांक की चर्चा कर रहे हैं। अगर आपका जन्म किसी भी माह में 2 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को हुआ है और 20 तारीख को और 29 तारीख को हुआ है, तो यानी कि आपका मूलांक दो बनता है। अब 2 तारीख की बात समझ में आती है कि दर्शक कह देंगे कि भैया 2 तारीख तो ठीक है, 2 सिंगल डेट है तो हम जान सकते हैं, लेकिन 11 का कैसे हम जाने। देखिए मूलांक की एक विधि होती है, जो भी आपकी डेट होती है अगर आपका जन्म 11 तारीख को हुआ है तो उसको जोड़ा जाता है, 1+1=2, यानी कि 1+1 टोटल करेंगे 2 आ जाएगा। ऐसे ही 20 तारीख जो है तो वो केवल 2 मूलांक गिना जाएगा, कभी भी 20 नहीं गिना जाएगा। मूलांक की संख्या जो है 1 से 9 तक मानी जाती है। और ऐसे जो व्यक्ति का जन्म 29 तारीख को हुआ है तो 9 और 2 को अगर हम जोड़ देते हैं तो 11 आ जाता है, और 11 यानी 1+1=2, ये आपका मूलांक 2 बनेगा। तो इसलिए एक बार दर्शक फिर से ध्यान से सुन लें, जिनका जन्म 2 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को, 20 तारीख को, 29 तारीख को हुआ है, तो वो समझ लें कि उनका मूलांक 2 है। और वो मूलांक 2 के हिसाब से जो आज हम बातें बताए जा रहे हैं उसको फॉलो करें, कुछ उपाय भी बताएंगे, किन चीज़ों से आपको सावधान रहना है 2020 में ये भी आपको बताया जाएगा, और कौन सा महीना आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। तो आज आप ध्यान से सुनिए अपने मूलांक के बारे में। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार जिन लोगों का मूलांक 2 होता है उनका स्वभाव कैसा होता है और किस कार्य क्षेत्र में उन्हें उन्नति मिलती है। देखिए मूलांक 2 वाले जो है बहुत ही मधुरभाषी होते हैं, बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, क्योंकि 2 मूलांक का स्वामी चंद्रमा है। एक सौम्य मूलांक है, बहुत शांत कूल और बहुत ही कहते हैं कि इमोशनल भी ये लोग होते हैं मूलांक 2 वाले। तो मूलांक 2 वाले बड़े अच्छे लाइफ में तरक्की करते हैं, हमने देखा है, और सबसे प्यार से बात करते हैं, हर दिल अजीज होते हैं और सबके दिलों पर राज करना जानते हैं मूलांक 2 वाले। चलिए लेकिन किस क्षेत्र में सर आपको लगता है कि उनकी उन्नति होती है, जिसमें वो बहुत अच्छा करते हैं। देखिए मूलांक 2 वाले क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव है तो आर्टिस्ट, पोएट, राइटर, जितने भी ये सब जो लोग क्रिएटिव फील्ड से यानी जुड़े हुए जो प्रोफेशन हैं वो मूलांक 2 के देखे जाते हैं। यानी कि मीडिया फील्ड इनके लिए बहुत अच्छा है, फिल्म इंडस्ट्री इनके लिए बहुत अच्छी होते हैं, बहुत अच्छे कलाकार होते हैं मूलांक 2 वाले, बहुत अच्छे पोएट भी होते हैं, राइटर भी, फिलोसफर बहुत अच्छे होते हैं। और मूलांक 2 वाले अगर हम बात करें तो धर्मगुरु या ज्योतिष क्षेत्र में भी अपना अच्छा नाम कमा लेते हैं। देखिए चंद्रमा इनका स्वामी होता है, चंचल स्वभाव के होते हैं, और कहते हैं ना कि कवि के बारे में, बहुत अच्छे कवि भी मूलांक 2 वाले बन सकते हैं, और एक कहावत है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। यानी कि इतनी अच्छी कल्पना हो जाती है कि बैठे बैठे कहीं की कहीं कल्पना कर देते हैं, तो वो कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन मूलांक 2 वालों से बेहतर किसी के अंदर नहीं होती है। तो इनको, इन प्रोफेशंस को चुनना चाहिए तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। यानी कि आर्ट और क्रिएटिव फील्ड इनके लिए बड़ी ही शानदार मानी गई है मूलांक 2 वालों के लिए। अगर मूलांक 2 वाले कोई व्यवसाय की बात जानना चाहते हैं, हमें किस चीज़ का काम करना चाहिए, देखिए लिक्विड से संबंधित कोई भी चीज़ होती है यानी कि जलीय चीज़ है, तो वो दूध, डेयरी है ना, कोल्ड ड्रिंक का व्यवसाय और पानी का व्यवसाय इनको बहुत अच्छा सूट करता है, या फलों का व्यवसाय भी इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो कोई भी तरल पदार्थ का जो व्यवसाय है वो मूलांक 2 वालों को बहुत ज़्यादा सूट करता है। और हमने देखा है कि ऐसे व्यक्ति का जो काम, जो कार्य होता है वो कहीं ना कहीं इसी क्षेत्र के आसपास ये लोग काम करते हैं,
अब एक प्रोफेशन आता है मर्चेंट नेवी, जो लोग नेवी में होते हैं उनको हर समय समुद्र में ही रहना होता है। तो कहीं कहीं देखा है हमने, बहुत एग्जाम बहुत अच्छी रिसर्च हमने इस पर करी थी कि मूलांग दो वाले व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा देखे हैं मर्चेंट नेवी में भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो संबंध जो काम का है, व्यवसाय का है, या जिस शहर में आप रह रहे हैं, कहीं ना कहीं वाटरी एलिमेंट ज़्यादा रहता है, जल तत्व से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपके मूलांग का स्वामी है, वो जल तत्व है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा भावुक भी हैं, बहुत ज़्यादा शांत भी रहते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि मूलांक दो अनुसार क्या कहता है आपका साल 2020 का राशिफल, और शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य से। देखिए मूलांक दो वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये साल मिला जुला रहने वाला है। इनको क्या करना है, थोड़ा गले छाती में इस समय तकलीफ हो सकती है, चेस्ट इन्फेक्शन इनको बढ़ सकता है, कफ कोल्ड की शिकायत इस साल तकरीबन अधिकतर पूरे साल भर ही रहेगी। तो आपको सलाह दी जाती है कि खान पान पर कंट्रोल करें और ऐसी चीज़ों से बचें जिससे कि ये समस्या बढ़ जाती है। अगर आपको पहले से समस्या है तो उसका प्रॉपर आप मेडिकल टेस्ट भी करा सकते हैं, चेकअप कराइए और इसको रेगुलर इसकी मेडिसिन लें, अन्यथा ये समस्या आपको बीच बीच में परेशान करेगी, खासकर मार्च के महीने में, जुलाई के महीने में और दिसंबर के महीने में आपको ये समस्या ज़्यादा बढ़ सकती है। तो मार्च, जुलाई और दिसंबर के माह में मूलांक दो वालों को विशेष सावधान रहने की ज़रूरत है 2020 में। तो अगर ये चीज़ का आपने ध्यान रखा तो कोई ऐसी स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी परेशानी नहीं है। जिनको इस समय एस्थमेटिक प्रॉब्लम रहती है या पहले से ही एलर्जी की शिकायत रहती है कफ कोल्ड की, तो उनको विशेष सावधानी समय पर रखनी पड़ेगी, ये समस्या इस समय बढ़ सकती है। चलिए अब जानते हैं हम विद्यार्थियों को लेकर, आखिरकार जिन विद्यार्थियों का मूलांक दो होता है उनके लिए साल 2020 कैसा जाएगा, जानते हैं। देखिए मूलांक दो के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए साल 2020 बहुत अच्छा जाने वाला है। इस वर्ष आपको बड़ी सफलता हासिल हो सकती है, बहुत अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, किस्मत का सहारा भी आपको ज़रूर इस वर्ष मिलता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि 2019 से ज़्यादा बेहतर इस वर्ष आपकी किस्मत रहने वाली है। देखिए कितना भी आप किस्मत साथ दे रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स हैं या कोई भी काम हम करते हैं तो मेहनत हमें करनी ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स को भी सलाह दी जाती है कि आप मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, इस समय जो आप पढ़ेंगे लिखेंगे वो आपको याद लंबे समय तक रहेगा, और एग्ज़ाम्स के समय पर आप जैसे कभी कभी मूलांक दो वाली चीज़ें भूल जाते हैं तो वो दिक्कत का सामना आपको इस वर्ष नहीं करना पड़ेगा। जितनी मेहनत आप करेंगे उतनी ही इस समय आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है विद्यार्थियों को। चलिए अब बात आती है नौकरी पेशे वालों की और कारोबारियों की। देखिए मूलांक दो के जो नौकरी पेशा के जो व्यक्ति हैं उनको इस समय किसी भी षड्यंत्र से बचना चाहिए, यानी कि बैक बाइटिंग से आपको बचना चाहिए, किसी भी आलोचना से, किसी की ज़्यादा व्यर्थ की आलोचना इस समय करना आपको ठीक नहीं रहेगा, अन्यथा आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आप अपने काम से काम रखिए 2020 में तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अन्यथा आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इन चीज़ों को लेकर विशेष सावधान आपको रहने की ज़रूरत है। बात करते हैं हम रिश्तों की, आखिरकार मूलांक दो वालों के रिश्ते कैसे रहेंगे नए साल यानी कि नव वर्ष 2020 में, निजी रिश्ते कहें या फिर उनके वैवाहिक जीवन। देखिए मूलांक दो वालों के जो हैं रिश्ते इस समय पहले से बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, और जिन लोगों का इस समय रिलेशन खराब थे उनके संबंध सुधरने का समय फरवरी से शुरू हो जाएगा। तो फरवरी का माह आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा, खासकर संबंधों को लेकर नए संबंध इस समय बन सकते हैं, या जो संबंध जो पहले आपके ख़राब हुए हैं, चाहे आपके भाई बहन के साथ, चाहे जीवन साथी के साथ, या परिवार में या मित्रों में किसी के साथ भी अगर संबंध कोई ख़राब हुए तो फरवरी से वो बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर संबंधों के लिए ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और इस समय आपका विवाह की भी संभावना इस समय बनती हुई नज़र आ रही है। खासकर हम देख रहे हैं कि मार्च से लेके सितंबर का माह है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, इस समय पर आपका विवाह हो सकता है, और कुल मिलाकर पहले से ज्यादा बेहतर इस समय आपका रिलेशनशिप रहने वाला है। अब बात आती है कि संतान पक्ष की तरफ से मूलांक दो वालों के लिए कैसा रहेगा नया साल। देखिए संतान पक्ष की तरफ से आपके लिए ये वर्ष मध्यम रहने वाला है, यानी संतान की समय तरक्की तो होगी लेकिन संतान के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना चाहिए, उनको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी आ सकती है तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। अगर आपकी संतान छोटी है तो खान पान का विशेष उनका ध्यान रखें, खासकर उनको उदर संबंधी रोग हो सकते हैं, आपको उनके खान पान का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए तो बहुत अच्छा रहेगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं जानना चाहूँगी मयंक जी से कि मूलांक जो होते हैं 1 से लेकर 9 तक हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में कैसे प्रभाव डालते हैं, जिसके अनुसार आज आप हमारे दर्शकों को उनका साल 2020 का राशिफल बता रहे हैं।
देखिए आपको जो हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं या आपके मूलांक की संख्या और 2020 का जो मूलांक है उसको टोटल करके उसकी संख्या के आधार पर आपको बताया जा रहा है कि कौन सा वर्ष आपके लिए बेहतर रहने वाला है या कौन से माह में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि अंक का खेल है ये। और मूलांक दो वाले व्यक्ति या कोई भी मूलांक आपका हो, अगर आपका मूलांक दो है, जैसे आज दो का एपिसोड हम कर रहे हैं, तो इसमें आप देखिए आपके जीवन में जो भी शुभ या अशुभ घटनाएं होंगी वो इसी मूलांक के दौरान अधिकतर समय पर होंगी और इसी मूलांक से संबंधित जो मित्र हैं उसके माह में होगी, तो उसके आधार पर आज हम आपको ये फलित कर रहे हैं। चलिए अब जानते हैं कि मूलांक दो वालों को खासकर नए साल में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किन चीजों से सावधान रहना चाहिए। देखिए मूलांक दो वालों को सावधानी क्या है, थोड़ा सेहत को लेकर सावधान रहना है, ऑफिस में कार्यस्थल पर प्रोफेशन पे आपको सावधानी क्या रखनी है, अपने काम से काम रखना है, किसी के काम में टांग नहीं अड़ाना है, किसी की शिकायत से, इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए आपको। कभी कभी ये आदत मूलांक दो में देखी गई है, तो इधर की बात उधर पहुंचाना, इस चीज से बचना आपको चाहिए इस वर्ष में, अन्यथा आपको नौकरी से भी आपको खोने का इस समय डर रह सकता है। ये चीज अगर आपने ध्यान रखी तो कोई परेशानी नहीं है। बाकी जो मूलांक दो वाले जो व्यवसायी हैं चाहे नौकरी पेशा है, तरक्की अच्छी करेंगे इस वर्ष, पहले से बेहतर तरक्की रहेगी। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है, इस समय कोई ऐसी बड़ी परेशानी मूलांक दो वालों के लिए नजर नहीं आ रही है। और आपको एक मोती धारण कर लेना चाहिए जिससे आपकी एकाग्रता और मजबूत रहेगी, जो कभी कभी आप भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, इसके चक्कर में अवसाद में आ जाते हैं, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा सोचते बहुत हैं, रात को देर देर तक सोचते हैं, पुरानी यादों में खोए रहते हैं, चाहे अच्छी या बुरी हो उसको लेके फिर परेशान रहते हैं, तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए और एक मोती धारण करें और भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करेंगे तो आपको मानसिक कष्टों से छुटकारा मिलेगा। चलिए जाते जाते जान लेते हैं मूलांक दो वालों के लिए उपाय। देखिए मूलांक दो वालों के उपाय सबसे इस समय बेहतरीन ये है कि आप भोलेनाथ को, यानी कि भगवान शिव को, अगर बेलपत्र धतूरा सोमवार के दिन चढ़ाते हैं, कच्चा दूध चढ़ाते हैं, तो आपको पूरे वर्ष सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती रहेगी, अनावश्यक कोई बाधाएं आपके जीवन में नहीं आएंगी। और ओम नमः शिवाय के मंत्र का भी जाप करें तो इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और किसी तरह की कोई व्याधि, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। चलिए आज हमने जाना कि मूलांक दो वालों का क्या कहता है साल 2020 को लेकर राशिफल। इसी तरह से एक से लेकर मूलांक दो, मूलांक नौ तक हम आपके लिए आपका राशिफल बताते रहेंगे। हमारे आने वाले वीडियोस इन्हीं मूलांकों को लेकर, इन्हीं पे आधारित होंगे, तो प्लीज आप हमारे आगे के वीडियोस देखना मत भूलेगा। अगर आपकी भी मूलांक से लेकर कोई भी मूलांक से लेकर या हमारे इस खास कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी परेशानी है या फिर कोई भी सवाल है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। तब तक मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।